अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फातिमा रंगरेज। आज मैं आपके लिए फ्रेंड कोकोनट मिल्क में चिकन करी लेकर आई हूँ फ्रेंड, केरला स्टाइल में। जिसके लिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने हाफ के जी चिकन लिया फ्रेंड, उसको मैंने देखे से क्यूब में काटा फ्रेंड और मैंने इसको वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है फ्रेंड और यहाँ पर देखिए ये कोकोनट मिल्क है फ्रेंड। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो जो अपना नारियल आता ना फ्रेंड, उसको आप ये हाफ 400 ml का फ्रेंड आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं 400 ml का है। अगर आपके पास ये नहीं है फ्रेंड तो आप घर में ही खोपरे को पानी डाल के मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए फ्रेंड, तो ये आपका इसका कोकोनट का दूध मिल्क तैयार हो जाएगा फ्रेंड। और मैंने यहाँ पर 2 tbsp जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया फ्रेंड, कुछ खड़े गर्म मसाले लिए फ्रेंड, देखिए जीरा है, काली मिर्ची है, एक हरी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और तेज पात है फ्रेंड। और मसाला में फ्रेंड देखिए मैंने 1/2 tsp मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है, 1/2 tsp हल्दी ली है, 1/2 tsp से भी कम मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची ली है, 1/2 tsp से भी कम मैंने यहाँ पर फ्रेंड गरम मसाला लिया है, काली मिर्ची ली है 1/2 tsp और जीरा पाउडर लिया फ्रेंड, मैंने भुना जीरा पाउडर है 1/2 tsp, नमक स्वाद अनुसार है फ्रेंड। और देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज ली है फ्रेंड, हरी मिर्ची ली मैंने 5 से 6 फ्रेंड्स को मैंने छोटे छोटे से काट लिया, बीच में से 2 करके, और कड़ी पत्ता लिया फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयल गर्म करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने क्या किया फ्रेंड, पहले मैंने 5 से 6 tbsp फ्रेंड यहाँ पर ऑयल गर्म कर दिया फ्रेंड। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसमें खड़ा मसाला ऐड करेंगे फ्रेंड, 1 सेकंड इसको भुनेंगे फ्रेंड, 1 से 2 सेकंड। अब हमारा जितना भी कड़ी पत्ता है, प्याज, हरी मिर्ची, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसको मैसे चला ही, जब तक हमारे प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमारा आप देख सकते हैं प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1-2 सेकेंड के लिए सोते करेंगे फिर। अब हमने जो चिकन लिए ना, वो चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इस चिकन को फिर 3 से 4 मिनट तक हम इसको तेज आंच पर ही भुनेंगे। देखिए इसको हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे तेज पे भुनेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। देखिए हमने इसको 4 से 5 मिनट तक इसको हमने अच्छी तरह से भुना है तेज से ही, और हमने इसका गैस स्लो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो टमाटर ऐड करेंगे और जितने भी हमारे ड्राई मसाले हैं वो ड्राई मसाले ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको स्लो पे 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि चिकन टमाटर सब अपना पानी रिड्यूस कर देगा और उसमें ही चिकन, उसी के अंदर चिकन गलती रहेगी। माशाल्लाह देखिए कलर कितना खूबसूरत लग रहा है चिकन का। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे फ्रेंड, अभी हम इसको क्या करेंगे, बस इसको हम ढककर कवर करके देखिए गैस स्लो है फ्रेंड, ये गैस स्लो पर हम इसको पहले 5 से 7 मिनट के लिए रखेंगे। जब चिकन पानी अपना पूरा रिड्यूस कर देगी, टमाटर रिड्यूस कर देगा ना, फिर हम इसको गैस को तेज करेंगे। देखिए हम इसको ओपन करेंगे, देखते हैं। देखिए फिर माशाल्लाह देखिए आप देख सकते हैं, देखिए तेल मसाले ने तेल छोड़ दिया है फ्रेंड, इसका मतलब हमारा चिकन मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब चिकन चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारी चिकन गली ही नहीं गली है। अब हम चिकन का पीस लेके चेक करते हैं फ्रेंड कि हमारी चिकन गल चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए फ्रेंड, देखिए चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। जब भी हम इसमें नारियल का दूध ऐड करेंगे, देखिए फिर अभी हम क्या करेंगे, नारियल का दूध ऐड करने से पहले हम गैस को स्लो रखेंगे फ्रेंड, तेज आंच पर करेंगे तो दूध फट जाएगा। तो हम इसकी गैस स्लो करके थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड ये देखिए बहुत सिंपल है फ्रेंड, अगर ये आपके पास नारियल का दूध नहीं तो आप घर का दूध जो अपना अपन चाय में यूज़ करते हो आप डाल सकते हैं, पर उसका टेस्ट कैसा आएगा ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी उससे बनाया नहीं है। तो बेहतर है कि आप कोकोनट को ग्राइंड करके थोड़ा पानी लगा के ग्राइंड करेंगे ना फ्रेंड, तो उसका दूध बन जाएगा। आजकल तो इसका कोकोनट का मिल्क भी सब दूर मिलने लग गया आसानी से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम इसको ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड ये कितना ठीक है, ये देखिए अभी हम इसको पहले स्लो पे ही रखेंगे, स्लो पे धीरे धीरे हिलाएंगे इसको, उसके बाद फिर हम इसका गैस तेज करेंगे, उससे क्या होगा ये फ्रेंड ये दूध फटेगा नहीं।
देखिए फ्रेंड, अब हम गैस तेज कर देंगे और फिर इसको हम कंटिन्यू हिलाते रहेंगे फ्रेंड। अगर हम छोड़ देंगे ना फ्रेंड तो दूध फटने के चांस रहेंगे, इसलिए हम इसको हिलाते रहेंगे फ्रेंड कंटिन्यू। देखिए दूध डालते कितनी ठीक होगी फ्रेंड। तो हम इसमें थोड़ा सा बाद में थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे फ्रेंड, बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें हम आधा ग्लास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि एक तो फ्रेंड ये थोड़ा पतला हो जाएगा इसका ग्रेवी, दूसरा फ्रेंड ये जो अभी हम चिकन को दूध के अंदर 5-7 मिनट हम पकाएंगे फ्रेंड तभी इसका टेस्ट आएगा। जब ये 5-7 मिनट जब पक जाएगा फ्रेंड तो उसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे फ्रेंड। ये केरला स्टाइल चिकन है फ्रेंड, आप बनाइएगा बहुत टेस्टी फ्रेंड, खाने में इतनी अच्छी लगती है। आप इसको पराठे के साथ खाइए, आपके मजे, आप चावल के साथ खाइए, लेकिन इसका ज़्यादा टेस्ट फ्रेंड पराठे के साथ ही अच्छी लगेगी। जो केरला पराठे आते हैं या आप जो अपने घर में नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना, फिर पराठे बनाए उसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी फ्रेंड। अब हम इसको 5 मिनट तक हम इसको तेज पे ऐसे पकाएंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड हमने हमारी चिकन करी को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया फ्रेंड, इधर ही स्लो आंच पे इधर 5 मिनट पकेगी, इतने हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं फ्रेंड। तड़के के लिए देखिए फ्रेंड हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर राई लेंगे 1/2 टीस्पून, 2 छोटी छोटी सूखी खड़ी लाल मिर्ची ली फ्रेंड हमने, और यहाँ पर हमने आधा ओनियन लिया फ्रेंड, इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तेल को गर्म करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा बटर डालेंगे, ये देखिए थोड़ा हमने तेल डाला है, थोड़ा बटर डाला है, अभी थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम राई को खड़ी लाल मिर्ची को ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड हमारा ऑयल गर्म हो गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें राई ऐड करी फ्रेंड, सूखी खड़ी लाल मिर्ची ऐड कर दिया, अब हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देंगे, ऑनियन को फिर हम हल्का गोल्डन ब्राउन तक फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारे प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसको गैस बंद करके हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे फ्रेंड। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें हम थोड़ा सा इसको डाल देंगे, अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। यकीन करिए फ्रेंड आप बनाएंगे ना ये बहुत टेस्टी है, इसके जो दूध का स्वाद आएगा ना, आपने होटलों में खाई होगी सेव दूध मिलता है फ्रेंड, उसका टेस्ट कैसा रहता है, आप चिकन में भी एक बार इसको ट्राई करिए, ये बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड। और आपको कुछ नई रेसिपी बनने खाने को मिलेगी, टेस्ट करने को मिलेगी। देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड अभी आपको जैसे लिक्विड ही लग रही है ना, जब आप ठंडी हो जाएगी ना फ्रेंड तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। अब जैसे आपकी मर्जी, अगर आप थोड़ा थिक ग्रेवी सेमी ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप वैसे ही खाइएगा, अगर आप पतली पसंद करते हैं तो आप उसमें पानी ऐड कर लिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड हमारी केरला स्टाइल की चिकन कड़ी रेडी फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, अपने जितने भी फ्रेंड्स सर्कल हैं उन सबको मेरे चैनल की लिंक जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड, और आपको बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फ्रेंड। और अगर आपको कोई फरमाइश करनी है कोई डिश बनाने की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।